पहली बार जिंदगी च मेरे ते FIR दर्ज हुई। उस तो बाद सारी प्रेस उस दिन पूरी दुनिया च ये सीगा कि उपासना सिंह जी गिरफ्तार हो गई। इहदे च वैसे तो मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसिस हुए पर मैं एक एक्सपीरियंस डेफिनेटली तो शेयर करना चाहनी हूं। इदा होया कि जो असी फिल्म की शूटिंग करने लई पंजाब आए उदों लॉकडाउन नहीं सी और असी शूटिंग की उस तो बाद सैटरडे संडे का लॉकडाउन हो गया। फिर उन्होंने फुली लॉकडाउन करता पंजाब कि तुसी कुछ कर ही नहीं सकते और मैं इन्ना सारा यूनिट लैके बॉम्बे तो इतने आई सी और लास्ट डे जो असी समान पैक कर रहे थे मैं बड़ा दुख से उस दिन मैं बड़े अफसोस से कि मैं हूँ एक शेड्यूल होर करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही दो शेड्यूल हो चुके थे और असी जिस दिन पैक कर रहे थे समान उस दिन प्रेस आ गई और उस तो पहला उन्होंने जिम्मी जी और गिप्पी जी की शूटिंग बंद करा दी थी। तो उन्होंने कहा कि पास ही तुम शूटिंग कर रहे हैं इतने, मैं कहने असी समान पैक कर रहे हैं और कहते नहीं देखो 50 लोग है इतने और सिर्फ 10-12 लोग ही समान की पैकिंग कर रहे थे उसने। तो उन्होंने पुलिस को इनफॉर्म करता और पहली बार जिंदगी च मेरे ते FIR दर्ज हुई। उस तो बाद सारी प्रेस उस दिन पूरी दुनिया च सीगा कि उपासना सिंह जी गिरफ्तार हो गई। खैर मैं गिरफ्तार तो नहीं हुई पर उस गल करके मैं बहुत टेंशन हुई, मैं पूरा यूनिट वापस भेजना पै गया। हूँ मैं दोबारा यूनिट फिर थर्ड शेड्यूल होया उदा फिर जिहड़ा कि दो शेड्यूल खत्म होने वाली सी, काफ़ी नुकसान होया। मैं शूटिंग चल रही है जो तुसी पूरे अपने शिखर ते अरूज ते उन्हां नूं मज़ा आ रहा हुंदा काम करन दा उदों अचानक कोविड आ जांदा साडी शूटिंग बंद हो जांदी है वो जिहड़ा एक झटका जिहा लगदा ना चलदे काम जदों तुहाडा 2-3 दिन दा ही काम रह गया होवे और तुहाडी फिल्म रुक जाए तो बड़ा अफसोस हुंदा क्योंकि इन्ना अच्छा प्रोजेक्ट करके कंप्लीशन दे नेड़े जाके तुहाडा काम रुकदा तकलीफ हुंदी है। इन्नी देर दा लॉकडाउन सी 6-7 महीनों तो सारे घर के अंदर ही बैठे से तो बड़े जोश के नाल दोबारा हुण जिहड़ियां शूटिंगां शुरू होईयां ने तो स्वाद आ रहा जी सैट ते।